हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। आज हम आपके लिए पाइथन का सेकंड पार्ट दोस्तों यहां पर लेकर आ चुके हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों आपको ये बताएंगे नॉर्मल डिटेल्स इसकी और लास्ट में बताएंगे दोस्तों आपको MQ20, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर तैयारी हो सके। तो हमने कल जो पहला पार्ट बताया था दोस्तों आपको, हमने बता दिया था एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों की जो ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एग्जाम तैयारी है या जो अभी जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है कोपा ट्रेड का 2024 में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उनके यहाँ पे आने की संभावना है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मतलब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई डिटेल्स में, आप लोग पढ़ लें। देखिए पहला लिखा हुआ दोस्तों, पाइथन एक प्रोग्रामिंग फ्रेंडली भाषा है, पाइथन एक ओपन सोर्स मतलब फ्री में डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट से, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन का एक क्या है, पाइथन एक जो उसकी वेबसाइट है www.python.org पर उपलब्ध हमेशा रहती है, आप लोग यहां से कर सकते हैं डाउनलोड। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है यानी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है पाइथन एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है पाइथन कौन सी भाषा है, तो ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आपकी भाषा है। नेक्स्ट है पाइथन कोड, ठीक है ना, पाइथन जो कोड है वो दोस्तों कहाँ कहाँ चल सकता है, तो विंडो पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक्स पे और OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चलता है। नेक्स्ट है पाइथन भाषा कभी भी कंपाइल दोस्तों नहीं होती है, पाइथन कोड को एक समय में लाइन से लाइन एग्जीक्यूट करती है, यानी लाइन बाय लाइन ये चलती है। पाइथन कोड अन्य भाषाओं के साथ जैसे सी और सी प्लस के साथ दोस्तों कंबाइन दोस्तों कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन का उपयोग GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दोस्तों ये काम करता है। एक होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें आपका होता है DOS होता है और आपका यहाँ पर DOS और लिनक्स दोस्तों ये काम करते हैं CUI में, ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। नेक्स्ट है पाइथन प्रमुख डाटाबेस में इंटरफेस प्रदान करता है, पाइथन में एक बड़ी और व्यापक लाइब्रेरी होती है तथा तेजी से अनुप्रयोग विकास के लिए मॉड्यूल और फंक्शन का समृद्ध सेट यहाँ पर प्रदान करती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखोगे पाइथन स्टेटमेंट टोकन न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ काम करता है, किसके साथ काम करता है, स्टेटमेंट जो होता है पाइथन का वो टोकन और न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ दोस्तों काम करता है। इसका अर्थ होता है कि पाइथन स्क्रिप्ट में प्रत्येक लाइन एक अपने आप में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्राम में लॉजिकल लाइंस की संख्या में वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक लॉजिकल लाइन न्यू लाइन टोकन के द्वारा टर्मिनेट होती है, यानी भाई अब पेपर में क्वेश्चन आता है भाई ब्लैक लाइन क्या होती है पाइथन में, तो देखिए वह लाइन जो केवल स्पेस टैब फॉर्म फील्ड को रखती है वह दोस्तों ब्लैक लाइन यहाँ पे कहलाती है, ठीक है पाइथन में। नेक्स्ट है पाइथन के सिंटैक्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपके सामने ही देख रहा है सिंटैक्स आइडेंटिफायर कीवर्ड सी गए लाइन एंड आइडेंटिटेशन मल्टी लाइन स्टेटमेंट क्यूटेशन और कमेंट, ये दोस्तों होते हैं पाइथन के सिंटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ पाइथन को प्रोग्राम को राइट तथा रन करने के लिए हमें पाइथन इंटरप्रेटर की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है, जिस कंप्यूटर पर हमें इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इंटरप्रेटर को पाइथन का सेल भी कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इंटरप्रेटर को पाइथन का क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये वाला ग्रेटर देन का दोस्तों ये चिन्ह होता है, ठीक है, ये तीन बार होता है, तो इस सिंबल को दोस्तों प्रॉम्प्ट कहा जाता है पाइथन, क्या बोलते हैं प्रॉम्प्ट कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि इंटरप्रेटर इंटरेक्शन लेने के लिए तैयार है, नहीं ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पाइथन में तैयार है आप जो भी यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जाओ कि आपका जो पाइथन है दोस्तों वो दो तरीके से यहाँ पे आपका उपयोग होता है, पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्टिव मोड आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, देखिए इंटरेक्टिव मोड में कार्य करने के लिए हमें ट्रिपल ग्रेटर देना जाएगा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, पर डायरेक्टली हम पाइथन जो पाइथन होता है उसको स्टेटमेंट दोस्तों टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं, फिर दोस्तों वो ऑटोमेटिक आपका एग्जीक्यूट यहाँ पर होता है। चलिए अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके 20 आपका MQ, ठीक है ना। पहला दोस्तों MQ है पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज का विकास किसने किया, तो मैंने आपको कल बताया था इनकी जो आपके बनाने वाले हैं गुइडो बेन रूस को हैं, और गुइडो बेन रूस के जो रहे दोस्तों हैं ये हैं नीदरलैंड के एक डच प्रोग्रामर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, तो दोस्तों पाइथन आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आपको पता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोस्तों ये सभी का दोस्तों यहाँ पर समर्थन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पहचानकर्ताओं के साथ काम करते समय पाइथन केस सेंसिटिव होता है? दोस्तों आपको पता है कि हाँ ये केस सेंसिटिव यहाँ पे होता है पाइथन। नेक्स्ट दोस्तों जाओ, निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का है सही एक्सटेंशन है? तो आपको बताया था मैंने, आपका इसका ऑप्शन होगा .py, ठीक है ना, क्या होता है .py का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्या किया जाता है? तो दोस्तों ये जो पाइथन कोड है, पाइथन कोड संकलित और व्याख्या दोनों दोस्तों यहाँ पे करता है, आप लोग समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में सभी कीवर्ड होते हैं? तो दोस्तों पाइथन में इनमें से ना ही कैपिटल होता है, ना ही लोअर होता है, ना ही अपर होता है, बल्कि होते हैं छोटे अक्षर होते हैं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाइथन अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 4+3, ठीक है ना, भाग 5 या परसेंटेज 5, तो इसका दोस्तों होगा आपका 7। पहला क्वेश्चन आया क्या आएगा, 7 इसका रहने वाला है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बन सकता है। नेक्स्ट है, पाइथन भाषा कोड के ब्लॉक को परिभाषित के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंडेंटेशन का दोस्तों उपयोग करते हैं परिभाषित यहाँ पे करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जाओ, ओरिएंटेशन दोस्तों वो लाइन की शुरुआत में दोस्तों रिक्त स्थान को संदर्भित करता है, क्या करता है, रिक्त स्थान को संदर्भित यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? तो देखिए पाइथन भाषा में दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं, डिफाइन जो फंक्शन होता है दोस्तों उपयोग करते हैं, डिफाइन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पाइथन में सिंगल लाइन टिप्पणी देने के लिए, कोई हमें टिप्पणी देना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम इसमें करते हैं किसका उपयोग, हैज का उपयोग करते हैं, किसका, हैज का उपयोग करते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हैज, बता दूं हैज को साइन या काउंटर साइन भी दोस्तों कहा जाता है हैज को। और यदि हमको देना है मल्टी लाइन कमेंट तो हम ट्रिपल दोस्तों कोटेशन होता है आपका, इस तरह का जो कोटेशन होता है ये आपको दिख रहा होगा, ये कोटेशन होता है दोस्तों ट्रिपल लाइन को कमेंट करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट लाइन करना, देखिए दोस्तों हमको सिंगल लाइन करना है तो क्या लगाएंगे, है लगाएंगे, ठीक है यहाँ पे। और दोस्तों हमको करना है यहाँ पे मल्टी लाइन तो क्या लगाएंगे, कोटेशन लगाएंगे इस तरह के दोस्तों, ये कोटेशन लगते हैं 3 बार, तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो देखिए मान लो लिखा i=1, वील लिखा है ट्रू, कॉलन फिर लिखा i% 3 = 0, 1, इसका दोस्तों क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पे जो आएगा, जो त्रुटि आएगा, क्योंकि आएगा त्रुटि दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों आपका जो प्लस है दोस्तों पाइथन में, प्लस और इक्वल टू के बीच में दोस्तों कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी ये कह रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका त्रुटि वाला, ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन हमें पाइथन के उस संस्करण को खोजने में मदद करता है जिस पर हमें वर्तमान में काम कर रहे हैं? तो दोस्तों हमारे क्या जाएगा, SYS वर्जन, मतलब आपका आ जाएगा सिस्टम, क्या जाएगा इसका, सिस्टम वर्जन आपका आ जाएगा, ठीक है। पाइथन रन टाइम पर अनाम फंक्शन का निर्माण समर्थन करता है, तो दो को इसका क्या आएगा आपका, मतलब आपको इसे लिखना पड़ेगा, इसका आएगा लेमडा, लेमडा नाम का एक निर्माण यहाँ पर दोस्तों आपका ये करता है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में वरीयता का क्रम क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता है पहला क्या होता है, कोष्ठक, फिर होता है घातांकी, फिर होता है गुणा, फिर होता है भाग, फिर होता है जोड़, फिर होता है घटा। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, पेपर में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो पहले क्या, कोष्ठक, घातांकी, गुणा, भाग, जोड़, घटा, ये उसमें आम काम करता है। नेक्स्ट, और आपको दोस्तों ये भी पता होगा आपका जो कोष्ठक है वो किस पे आपको ध्यान रखने के लिए दोस्तों ये रहने वाला है, मतलब बोर्ड मास के समान दोस्तों रहता है। तो बोर्ड मास आपने देखा होगा, मतलब बोर्ड मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब आपका जाएगा, ठीक है, ऑफ, और आपका जाएगा यहाँ पे मतलब मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और सबस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे आपको आते हैं बोर्ड मास के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों आ जाएगा, आप लोगों को पता होगा ये, यदि एक्स बराबर 1 है तो निम्नलिखित पाइथन कोड स्क्रिप्ट पेज का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो रहेगा आपका आउटपुट वो रहेगा दोस्तों 4, क्या रहेगा, 4 यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहने वाला है कि PIP का मतलब क्या होता है पाइथन में? तो दोस्तों आपको पता है जो मैंने आपको कल ही बताया था कि पसंदीदा इंस्टॉलर प्रोग्राम, इसको दोस्तों का PIP का मतलब यहाँ पे होता है पाइथन में, ठीक है, इसका जाएगा 3। नेक्स्ट है, पाइथन में वेरिएबल नामों के लिए इनमें से क्या कौन सा सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों इनमें से आपका रहेगा दोस्तों असीमित लंबाई, इसका सत्य, ये भी कल मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाइथन अभिव्यक्तियों के मान क्या होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो पाइथन का व्यक्ति दोस्तों यह मान होता है वो होता है आपका 512.64.512, ये होता है इसका दोस्तों मान होता है, आप लोग यहाँ पे हल करके मैं बता दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आपका दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सा पाइथन में फंक्शन डिवीजन ऑपरेटर होता है? तो दोस्तों आपका जो होता है ये वाला, ठीक है ना, इस तरह इसको बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जाता है फंक्शन डिवीजन दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा दोस्तों? तो आप, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका दोस्तों जो रहेगा आउटपुट वो रहेगा दोस्तों 1, 2, hello, यानी आपका करना है आपका जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के इन्फॉर्मेशन थी, ये क्वेश्चन थे, चलिए अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ, और अब हमारा आएगा थर्ड पार्ट, उसमें आप आपको नेक्स्ट बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स।